आज भाई यार मैं आपको चैनल का लिंक दे देता हूँ, नाम बता दो यार, आप खुद ही ले लो इसमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया तुम सब का एंड अदर व्लॉग के अंदर। गाइस आज है जुमे का दिन, तो सबसे पहले उठ के नाश्ता वगैरह करके नहा धो के अब जा रहे हैं जुमे की नमाज के लिए। और इसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज है कि हमने जाना है, आपको जैसे क्या पता है कि फैसलाबाद में एक इवेंट होता है हर साल ईद उल अज़हा से पहले, बकरा ईद से पहले, कि वो 3 दिन मेला लगाते हैं जानवरों का, तो आज उसका पहला दिन है। तो आज हम जाएंगे उधर और जुमे की नमाज के बाद तकरीबन कोई 3-4 बजे मेरा दोस्त मुझे पिक करेगा और हम जाएंगे सीधा वहां पे मेले पे, और वहां पे जाके हम करेंगे खूब मस्ती, फल्ला गुल्ला और बहुत कुछ। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। अब मैं जा रहा हूँ, मैं तैयार शहर हो गया था, ठीक लग रहा हूँ, वैसे नहीं बुरा लग रहा हूँ शायद, मैं तैयार शहर हो गया था। अब मैं जा रहा हूँ जुमे की नमाज पढ़ने, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आएंगे कुछ खाएं पियेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे उधर। तो अब मैं निकल जुमे की नमाज के लिए, अब मैं आपको सीधा मिलूंगा वहां मेले पे जाके, क्योंकि रास्ते में धूप हो जाता है तो फिर अच्छी बात नहीं है कि धूप में ब्लॉग ने। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता रंग काला, तो दूसरा मोबाइल भी स्नैच हो सकता है। तो फिर अब बस निकलते हैं, तो फिर आपसे वहां जाके मिलते हैं। 1 hour later। अच्छा तो गाइज मेरा दोस्त के साथ रब्ता हुआ, वो निकला है वहां से, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा भाई मुझे छोड़ के आएगा मेरी राजदारी पे। तो यहाँ से सीधा हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वहाँ पे जाके अब रेट वगैरह देखते हैं जानवरों के, बस जानवर देखते हैं। और दूसरा वहाँ पे एक मुकाबला भी होगा छोटे बकरों का, टैडी का और क्रॉस टैडी का, और ऐसे कुछ बकरों का मुकाबला भी है। तो अब हम निकल रहा हूँ मैं जहाँ पे वो मुझे मिलेगा, तो अब आपको वहाँ पे जाके मिलता हूँ। 1 hour later। ये तो गाइस, अस्सलामुअलैकुम, क्या चल रहा है, आप देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत जो है आज इंटरटेनमेंट हम दिखाने जा रहे हैं फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा। और डर गए, और डर गए गाइस, ये तो डर गया, ये कैमरे जाने आज फैसलाबाद में बहुत बड़ा एक फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है, आप सब ने फुल एंजॉय करना है, व्लॉग को देखना है, ठीक है। धमाकेदार आज फैसलाबाद में बकरा और छत्ता और साथ में ऊंट और बछड़ा। एक तो मैंने सुना है मेरा भाई वो क्या है कह रहा है 35 लाख रुपए का एक ऊंट सेल हो गया है। हाँ जी ये भी बात है, किकर है। और दूसरा ये आज होगा हुसन का मुकाबला, और आज आपको दिखाएंगे जो खूबसूरती जानवर असल असल भाई साहब, ब्यूटी क्रीम के बगैर, संदल के बगैर ये बो बकरा। हेलो हसनात हसनात बो बकरे। ये तो गाइस अब हम निकल गए हैं, रास्ते में है तो अब आपको वहीं पहुँचा के मिलते हैं, और रिश्ते का गाइड करना होगा, क्योंकि कल भी फेस्टिवल है तो आपको वो भी हम गाइड कर देंगे कि रास्ता किस तरह से आता है और आपने कहाँ पे आना है। तो स्टे ट्यून रहिएगा, अब आपसे वहाँ पहुँचा के मिलते हैं। 5 minutes later। अच्छा तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच गए हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट पे, ये जो निकलता है हॉर्स राइडिंग ग्राउंड के अंदर फेस्टिवल स्टार्ट है, ठीक है जी। आपको अभी अभी विजिट करवाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू है, लेकिन नेक्स्ट आगे जाके अपनी बाइक पार्किंग करके और आपको अभी दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे रश कितना ज्यादा है, बहुत सी वाम देखने आई है और बड़ी बड़ी दूर से वाम देखने आती है ये फेस्टिवल को। हमारे तो फैसलाबाद की शान है ये, लेकिन हम जिंदगी में पहली दफा है। हाँ जी ये देखे बो बकरा बेल मारने से नहीं हट रहा, हूं से आ गया बेटा हूं। अच्छा ये अब हमें पता चले, अब जाफर भाई आपको पता है सुनाना 26 फेस्टिवल चल रहा है। हाँ 26 फेस्टिवल है, हम आ गए पार्किंग, मोटरसाइकिल पार्क करते हैं, फिर जाते हैं अंदर और फिर आपको अंदर जाके पाची व्यूज दिखाते हैं और जानवर वगैरह से मिलवाते हैं आपको। 5 minutes later। गाइस रश आप देख सकते हैं, देखें बाइक्स पे बाइक्स, बाइक्स पे बाइक्स, वहां आ रही है जा रही है, एक लाइन तो ये है, बाकी कुछ पार्किंग इस तरफ है, बाइक्स पे कार पे आवाम आ जा रही है, वो मेरे दोस्त मोटरसाइकिल पार्क कर रहे हैं, पार्क करते हैं फिर यहाँ से सीधा हमने जाना है अंदर की तरफ, वहां पे बहुत ज्यादा रश है। ये देखे सारी पार्किंग, ये लालो सरकार तक मोटरसाइकिल चिक्की जा रही,
आज हमने इसका भी इसका इसका भी आज हमने पेड़ लगवाने दिखाने इसका हुसन आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये पीछे से ऐसा है, आगे से भी ऐसा है। हसनान व्यक्ति से आनू कट दे कितना के कटा लेगा बेटा। वैसे वैसे भी ऐसी शक्लें नहीं हम लेके आएंगे ब्लॉग के अंदर, ठीक है। अब हम जा रहे हैं जी अंदर की तरफ। मैं भाई आप कुछ कहना चाहें? यार इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है देखने के लिए कि अभी आपको पता चलेगा जो इसके अंदर बहुत खूबसूरत जानवर है जो आपको देखने के अभी हम आपको कैमरे में दिखाएंगे, ठीक है। हमें ये भाई लेके आए हैं अपने साथ यहाँ पे। भाई किस डिपार्टमेंट के आप? मैं भाई वेटनेरियन हूँ, डॉक्टर ऑफ वेटनरी एंड मेडिसिन मेरा फील्ड है। तो ये भाई के साथ हम आए हैं यहाँ पे। अब ये भाई हमें यहाँ पे सारा गाइड करेंगे जी। भाई जो इवेंट है ये पूरा एंटरटेनमेंट से भरपूर है जी जी। स्पेशल ब्रीड्स के जानवर आए हुए हैं, देखने की चीज है। आप बल्कि अपनी फैमिली को भी लेके आए ताकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है इन चीजों के मतलब वो बढ़े। चले इंशाल्लाह अंदर जा रहे हैं तो बाकी फिर अंदर जा से आपको मिलते हैं। 5 minutes later ये देखिए आतिशबाजी का मुजाहिर आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, ये फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है आप देख सकते हैं। ये इस आतिशबाजी का मतलब है कि यहाँ पे फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस ये देखें जिसकी एडवर्टाइजमेंट इन्होंने और इसकी जो इफ्तिताही तकरीब पैसे लगा दिए। ये जानवर बहुत डरा रहे हैं। मेरा की चीज दोबारा बोली गजा का शो देखने ये तो गाइस आप देख सकते हैं अनार आतिशबाजी ये सारी चीजें। अब अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं बाकी। अच्छा यार रश होना वा लाइट वगैरह का मसला होना, ठीक है। मोबाइल की लाइट आ गई थी थोड़ा नाल इकट्ठे, ठीक है, ताकि अब अंदर जाते हैं तो फिर अंदर जाके आपको मिलते हैं। ये तो गाइस यहाँ पे बच्चों का मुकाबला चलता है अभी। बकरों के लिए उन्होंने स्पेशल अभी उनसे पता करते हैं एयर कूलर वगैरह लगाए क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बकरों की हिफाजत के लिए। वो देख सकते हैं आप बाकी कैसे उनकी। ये सामने बकरा अभी उन्होंने ऊपर होगा। ये सामने आप ऊंट देख सकते हैं, इसके आप पास आते हैं तो आगे जाके आपको इसका मुकम्मल। रश बहुत ज्यादा है तो आवाज बामूड देख सकते हैं। यानी डिमांड की नहीं कर रहे बेचना से अपने अच्छा अपनी कुर्बानी। 5 minutes later ये देखिए आप इससे पूछते हैं कि इन्होंने बेचने के लिए कि सर है ना बेचना से कि अपने ने जी बेच की डिमांड कर रहे हो? डिमांड से 18 लाख 18 लाख रुपया एक ऊंट की 18 लाख रुपया 18 लाख रुपए का ऊंट। तो ये इनकी डिमांड सारे जो मुकम्मल मुकम्मल 14 ऊंट है और पर ऊंट की डिमांड 18 लाख रुपया। आप ऊंट देख सकते हैं बहुत मतलब हल्का ऊंट नहीं है बहुत भारी ऊंट है ये इनके। इस जगह से आए आप? बखर वाली साइड से। ठीक हो गया ठीक हो। तो जिसको भी ऊँट वगैरह या कोई अच्छी चीज़ लेनी हो तो वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती दिखाओ ना, देखो ऊपर ये देख रहे हैं इसकी खूबसूरती। बैग दिखा दो पीछे चुराई दिखाओ। आप ही देख सकते हैं ऊँट को
ये ऊंट कमजोर ऊंट नहीं है, बड़े बड़े अच्छे ऊंट है और बड़े बड़े तगड़े हैं। अपना नाम बता दो यार, आप खुद ही ले लो इसमें। मेरा नाम सतीश है। आपका? आपका नंबर एक मोहम्मद काशा, समनाबाद। समनाबाद से भाई यहाँ पे फेस्टिवल देखने आए हैं और ये इलाका इनके पास नहीं है। कितना दूर है? और देखना और शेयर करना है यार। मैं अभी इनसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवाता हूँ और इनकी वीडियो पे। हमने भाई से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि ये हमारे रेफरेंस से ऊंट को सस्ता कर दें, तो देखते हैं कि भाई कितनी इसकी प्राइस को कम करते हैं। भाईजान बताइए आप कितना? ये 17.5 लाख हो जाए। 17.5 लाख इन्होंने हमारी वजह से, 18 लाख में सारे जानवर बता रहे, ठीक है। तो अब 17.5 लाख इन्होंने कर दिया है। अब जिसको भी अच्छा ऊंट देना हो, एक शौक रखता हो ऊंट का, तो वो यहाँ पे लाजमी विजिट करे और अपनी कुर्बानी यहाँ से जरूर ले। बहुत बहुत अच्छे हैं, कोई कमज़ोर नहीं है, बेफजूल पैसे नहीं मांग रहे, अच्छे हैं और खूबसूरती वाले के लिहाज से भी और वेट के लिहाज से भी बहुत अच्छे। इनके ऊपर जो कशीद कर रही हुई वो भी दिखाएं। हाँ ये देखिए, मैं आपको डिटेल में हर चीज़ दिखा रहा हूँ। ये इन्होंने मेहनत की हुई है इस पर, ये सारी ऐसी इसकी बैक पे और सारी हर तरफ इस्तांबुल का नक्शा बना हुआ है। डोली आप यहाँ क्या कर रही हो, इतना सस्ता? तो आप आगे चलते हैं, बाकी चीजें भी देखते हैं फिर वहाँ पे जाके। आपको आप ये देख सकते हैं जानवर, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बैल। ये वैसे एक फायदा है, ये अभी आए हैं और अभी ये तैयार है। आप जानवर को मान के फिर आपको दिखाते हैं, जानवर बहुत ज्यादा डर चुके होंगे, ठीक है। ये वैसे एक फायदा होया, वहां से यौन निकल के सारा राह खाली हो गया सारा। हाँ यार देखने रास्ता हमारा। अब हम जल्दी से चीजें देखेंगे और अब आपको दिखाते हैं बकरे जो कि हुसन के लिहाज से बहुत अच्छे। अब बकरे को जरा चलते हैं, तो बकरों पे जाकर मिलते हैं। 5 minutes later इतना अच्छा सेटअप है यार, बहुत ही खूबसूरत सेटअप देख सकते हैं आप सब। देखें उन कैटबर्ड को नहीं कैसा कैटबर्ड को नहीं है असनाद ये ले आवा आपको सारा बताएंगे जानवर के मुताबिक। ये देख सकते हैं आप, एक कंपटीशन है इसलिए क्या एक किलो है जी छोटा बास को छोटा बास तो थोड़ा उच्चा बोलो यार छोटा बास तो छोटा बास तो कितो आयो बावन नगर छोटा बोल नहीं आए कितो बकरी किन्ना दो दिन दी है? मालिक को फल कौन से मालिक इधर आ खड़े ने भाई। हाँ ये इसके मालिक है सरकार, दसो ढाडे साहब बकरी किन्ना दो दिन दी है? बकरी भाई जाना से कदी चोई नहीं, बच्चा ने फिर दूध पियाई। अच्छा वैसे अंदाजा कोई अंदाजा है साडे बकरी दा, एक टाइम दा तकरीबन 4 किलो दूध दिंदा। चलो ये भाई बता रहे हैं कि एक बकरी का एक टाइम पर 4 किलो बकरी देख सकते हैं। अमृतसरी बीतल नस्ल है ये, तू पहले ही पूछ लेना हर गल। नहीं भाई मुझे पहचान है, इतना शौक रखता हूँ यार, देखो ना वाकई वाकई यार क्यों नहीं, आपको नागरा भी दिखाते हैं यार। ये सिर्फ बकरियों की पहचान रखता है? नहीं यार बच्चीज की याद नहीं आती। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, बच्चों की पहचान भी है, बच्चे की पहचान नहीं है इसे। मशहूर नस्ल है, ठीक है ना। अच्छा इन्हों की हाइट इन्हों की ग्रोथ बहुत अच्छी होंगी है,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੈਟ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਕੋ ਕਰਨਿਆ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਫੁਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਆ ਲੋ ਯਾਰ ਤੂੰ भैया ये बताएंगे ये आए कहाँ से पहले ये फैसलाबाद से है। फैसलाबाद से है ये नस्ल कौन सी ये राजनपुरी नस्ल है ये किस मुकाबले के लिए आए ये खूबसूरती अच्छा हुसन मुकाबले के लिए आए माशाल्लाह बकरा बहुत प्यारा है और इसका वजन कितना होगा आपके हिसाब से पाँच मन का माशाल्लाह बहुत अच्छा वजन है और बहुत ही भारी बकरा है यहाँ पे तो वीडियो में मुझे पता नहीं कैसे लग रहा है अच्छा इसकी इसको आपने कितने साल से हो गया पाला है ये 2 साल है और खिलाते पिलाते हैं इसको इसको दूध पिलाते हैं मक्खन खिलाते हैं अच्छा मंडा वगैरह मसालेदार अच्छा नहीं माशाल्लाह आपकी ये जो आपने मेहनत की है वो नज़र आ रही है और हुसन के हिसाब से भी बकरा माशाल्लाह बहुत प्यारा है वाइट कलर है और उसका हुसन चेक करो पीछे से यार इधर से लग रहा है क्या बकरा है ये देखिए यहाँ से आपको सही आइडिया होगा बकरे का माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है बहुत अच्छी इन्होंने बात ये भी है और ये देखिए ये भी बैठे हुए हैं ये भी आप ये तीन बकरे इन्होंने हुसन मुकाबले के लिए लेके आए हैं हाँ मेरे कुछ यार तो है यार बकरा तो बखा दे मैनू बड़ा हरामी हो ये मरियम जा रहा उन्होंने बकरे चोरी दे नहीं है तू जिदा लगा हमारे साथ अब एंकर उमेर नहीं भाई क्या ना अभी इंटरव्यू हम करेंगे भाई आप बताएं आपको यहाँ इंतजाम कैसे पूछा बोल दो और आप हर चीज अच्छा और ये वजह बताएं ये बैठा हुआ किस वजह से यहाँ पर बिठाया है ये खूबसूरती के लिए क्या है नहीं इधर जो बैठा है आपने बताया ना गर्मी की वजह से क्या वो तो लाइट खराब हुई लाइट खराब होने की वजह से ये गर्मी की वजह से यहाँ पर बैठा आए हैं वैसे ये बात तो बहुत गलत है कि एक बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पे मेला हो रहा है एग्जीबिशन हो रही है फिर यहाँ पे लाइट के इंतजाम मात ना हो बकरों की पूरी बात ना हो अब गर्मी की वजह से वो बैठा हुआ उसका सांस लेना बड़ा मुश्किल होगा तो यहाँ पे तो हुकूमत को कुछ करना चाहिए ना जहाँ पे ये तो नलायकी ऐसी थी यार ये दिखाओ ये डैडी बकरा अपने हुसन में पूरा ये देखे इसकी ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं आ रही मैर ये फ्रेंच की सिलाई तेन 500 रुपया दवा तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुमसे ना हो पाएगा ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह फुल खूबसूरत माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे जानवर ये दोनों ये वाला भी ये वाले भी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੀਮਜਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸਰ ਇਹ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਸਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਬੱਕਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਨੇ ਇਸਕੀ ਖੁਦ ਪਾਲੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਇਸਕੀ ਆਪਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੈਸੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਕੋ ਦੂਧ ਮੱਖਣ ਘੀ ਚਨੇ ਸੇ ਅੱਛਾ तो इसका वजन लाइव वजन कितना होगा इसका 5 मन तो ये भाई बता रहे हैं कि इसका लाइव वेट जो 5 मन होगा और बकरे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही प्यारे हैं और वज़न में भी बहुत अच्छे हैं बाकी अब इनका मुकाबला होगा देखते हैं कौन जीतता है इनमें से और कौन नहीं ये बकरा है ये सारे हुसन मुकाबले के लिए बकरे इन्होंने रखे हुए हैं हाल अच्छा जी एक हमारा एक और दोस्त है जो कि 3 घंटे से मेरा वेट कर रहा है और वो इधर फिर है और अभी आपको उसके साथ ही मिलाते हैं ठीक है और वो भाई बताएंगे कि यहाँ पे जो उसने कुछ जो कुछ देखा है ठीक है वो अभी आपको दिखाते हैं चलें आप उसका वेट कर रहे हैं वो आता है फिर आगे देखते हैं बाकी आगे देखते हैं हम क्या क्या देखते हैं अब आगे अभी क्योंकि सिर्फ बकरे कवर कर रहे हैं अभी वेड़े ऊंट वो हर चीज़ कवर करनी है अभी क्या बोला तूने नहीं पहले क्या बोला चल चल चलो जाके इलाज करो भाई मेरे हमारा ये क्यों राह बेला करते हो हाल है मेरे मेन एंट्रेंस मेहरबानी भाई इधर देख गंदा और सामने जेड़ा बकरा है एडी नसल की आंख बड़ी देर आज सामने तो मैं उधर कुर्सी की परली से ओ वर आज तो मौलवी हाथ लाया वो देखी वो मौलवी का मुंह खड़ा है यार वो जेड़ा भाई ने प्यार दिया उसकी आंख देखी वाह तो यार साडा भी अपना कुत्ता असि भी अपना कुत्ता लेके आए यहाँ से आगे
तू भी भेडू आ मिट्टी बड़ी है मैं लगता आवाज करा दिया सही कह रहा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡੂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਜਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਜਿਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਓਹੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੋ ਸੁਰਮਾ ਦੇ ਦਾ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸਕੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾਇਸ ਹਮੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਲਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਲੜਕੀ ਕਹਤੀ ਨਾ ਹਮੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਚਾਹੀਏ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਮੇ ਬਸਰਾ ਉਹ ਲੜਕੇ ਕਹਤੇ ਹਨ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਲੜਕੀਆਂ ਗੱਬ ਕਹਤੀ ਇਧਰ ਜੀ अगर लाइटिंग का यहाँ थोड़ा इंतजाम अच्छा होता तो आप दिखा सकते हैं इसका कलर और इसका वेट शेड हर बहुत बहुत प्यारा है इस दो जोड़ी की वजह से कोई नहीं बस ज्यादा नहीं इतना अमीर होना है एक गाड़ी ये 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 दो कट्टे लेके आए हैं साथ आठ गार्ड लेके आए है मेरी मैं दो कट्टे लै गए ने चिट्टे फलवेड़ी वाले ते नाल नाल 500 गार्ड लै गए साहब आ गड्डी नु ते गेड़ा बनाया होवे इशारा ने 6000 दा ले शशके ए फार्मा ले शशके शकीन लोग जने ना V8 लै गया इने V8 V8 ते असी C8 आ ओ असी V8 नहीं असी 70 चार बंदे चले छका छक छका छक अब यहाँ पर रश बहुत ज्यादा है हम जाते हैं आगे तो देखते हैं आगे क्या है आपको यहाँ पे लाज कितनी देर तक आए लाभ लाभ अब पैन बेचना उसने अच्छा जानवर ये सेल के लिए नहीं है नुमाइश के लिए मैर जी जी एक दस बच्चा दस होना क्या है यार खूबसूरती चेक करो यार क्या बात है इसकी यार बहुत बहुत प्यार है बच्चे ने बहुत ही प्यारे जानवर है माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नजर नहीं आ रहा लाइटिंग का इशू है पर इन्हें किन्ने किन्ने दंद होने मैडी खलोता भी अपने बहुत बहुत उच्चा है मुल कि ਭਾਈ ਭਾਈ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 10,000 4 ਕਰੋੜ ਜੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਚੱਕਰ ਆਨੇ ਲੱਗਾ ਅਬ ਜੋੜੇ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਰੱਸੀ जो लड़कियां ये लड़कियों के लिए स्पेशल बनवाया है पिंक कलर का मैरे पिंक कलर चाचा शबीर है जेड़ा वो है जो लड़कियां मांगती होती हैं कि हमें पिंक कलर चाहिए मंडी मेरे मेरे तो लागे थे उधर कुछ नहीं कहना उन्हें इधर आया शहर तो कहना मैं कुछ कहना अगे होना डरता क्यों और डर गई और डर गई और डर गई डर गई हाँ यार जानवर डर जा कर मत होती डर जा
ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर हैं ये वाले, ये सारे बहुत खूबसूरत जानवर हैं। और ये सारे बेचने के लिए नहीं है, ये मुकाबले के लिए लाए हैं, वो कह रहे हैं उसके जो हैं। हाँ यार टैडी ला ला भाई, मुलवानी भाई फैसलाबाद से आए हैं, ठीक हो गया। अब ये जो नस्ल है आप इसके बारे में थोड़ा भाई फैसलाबाद की, ये नागरा फैसलाबाद की नस्ल है, ठीक हो गया यार। इसकी बकरी ना पीछे शेप नहीं, सबसे महंगी नस्ल। अब बकरे ना कुत्ता भी आ रहा है यार, नहीं दोबारा दोबारा पैर नु बीता लग गए, दाई दा केड़ा बीता इसके। गाइस हम तो यहां पे मिट्टी गट्टे में, मिट्टी गट्टे कितना है मेरी तरह यार, मिट्टी गट्टे की वजह ना आपको वीडियो सही नहीं देखने को मिलेगी, कहीं कहीं आपको मसला शायद बनेगा, ठीक है। हमारी फुल कोशिश है आपको जितना अच्छा हो दिखा उतना अच्छा व्यू लेने की कोशिश करें, लेकिन यहां पे मिट्टी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से कुछ भी नजर नहीं आना मुश्किल है। हमारा अपना चेहरा नहीं आ रहा तो आप अच्छे बच्चे क्या दिखना है। ये बाकी कुत्ता दिखा सकता हूँ आपको यार, अपनी शक्ल भी दिखाओ ना। चतरा सुतरा है ये, आज जोड़ी का की मांगने तू तू भी ना ली मुकाबले चाया था वो बच्चा वा माशाल्लाह। अच्छा किन्ने पैसे थे? 1,00,000 10,000 ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਮਾਮਾ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰੀਡਰ ਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। One hour later. ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਗਾਈਸ ਹਮ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਫ੍ਰੀ ਰਸ਼। ਇਨਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਦਿਨ ਘਟੀਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਥਾ ਜੋ 5-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ, रश बहुत ज़्यादा था ऊपर यहाँ से। फिर अब यहाँ से निकल रहे हैं, मिट्टी वगैरह अंदर तक चली गई है। आज भाई यार मैं आपको चैनल का लिंक दे देता हूँ, आपके पास नेट है? नेट अभी तो नहीं है यार, जाके देख लेंगे। आपको हॉटस्पॉट देता हूँ, आप अभी सब्सक्राइब करो क्योंकि आपका शो आगे भाई। बिग फैन सर, बिग फैन हो गया यार। तो कभी ब्लॉग देखा मेरा? फिर भी बिग फ्लो यार, मैंने नया नया स्टार्ट किया तो इसलिए जरा फिर अभी आ रहे हैं भाई। जो यार स्मोकिंग ना, हम उसके नहीं बड़े फैन हैं। अच्छा ब्लॉगर के बच्चे पार्टी में थे, मैं चुप लेना भाई। इधर ऐसे स्टार्ट है बताइए, आपका शॉर्ट आउट आ गया, आप इंशाल्लाह वीडियो में देख लीजिएगा, तीनों इकट्ठे हो जाओ जरा, ठीक है? कोड वापस कर देना भाई, वो तो आपका ही है। अच्छा तो गाइस यहां पे कर रहे हैं ब्लॉग को एंड, अब आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। कल भी कंपटीशन है तो इंशाल्लाह कल भी आएंगे और कल भी आपको दिखाएंगे सारा कुछ। अब यहाँ से जा रहे हैं घर, अपने रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।